अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जुम्मा मुबारक आप सबको। आज 18 जून 2021 है और ये जो पिक्चर आपके सामने नज़र आ रही है ये 17 जून 2021 की पिक्चर है, यानी कि आज से एक दिन पहले की पिक्चर है। और आज जो मेरा वीलॉग है वो बहुत ही डिटेल में होगा और इसकी डिटेल जो है वो उन सब लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और जो इसको स्टार्ट लेना चाहते हैं। तो आपने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है, इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो मैं हाईलाइट करूंगा और बहुत सारी चीजें जो हैं मैं आपको अवेयरनेस प्रोवाइड करूंगा कि आपको पता हो कि इस बिजनेस के अंदर आपने कैसे एक्सेल करना है, कैसे तरक्की करनी है और इस बिजनेस में आने से पहले आपने किन चीजों के लिए एहतियात बरतनी है ताकि आपको इस बिजनेस में कोई भी मिस यूज ना कर सके। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के एक शेर से कि अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो ये मेरा शेर जो है, अल्लामा इकबाल का जो शेर है, बेसिकली वो सबके लिए है कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाला हर शख्स, हर इंसान जो है, इसकी तकदीर, इसको आगे लेके जाने में किरदार अदा कर सकता है, बनिस्बतन कि वो अपनी खलूस दिल और सच्ची नीयत से काम कर रहा हो। तो ये उन सबके लिए है जो भी पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं और पाकिस्तानियत के बारे में सोचते हैं, उन सबको इस शेर का मतलब बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब आते हैं स्टार्ट योर जर्नी कम्बो पैक। फॉर एवर ने अप्रैल के अंदर एक स्टार्ट योर जर्नी कम्बो पैक स्टार्ट किया है और ये वैलिड है दिसंबर 2021 तक। मैंने ऑलरेडी एक दो वीडियोस बना दी हैं कि ये पैक जो है हर महीने खत्म नहीं हो जाता और ये दिसंबर तक रहेगा। कंपनी जो है वो 43 ईयर्स ओल्ड कंपनी है। वो कंपनी जो है जब भी कोई इस किस्म के पैकेज निकालती है, जब भी इस किस्म की कोई ऑफर निकालती है, तो वो लोगों के बेनिफिट्स के लिए निकालती है, ना कि अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए निकालती है। क्यों? क्योंकि कंपनी ऑलरेडी बहुत अच्छी 3 बिलियन डॉलर की सेल्स कर रही है। कंपनी को सेल्स से कोई गर्ज नहीं है, कंपनी को लोगों के बेनिफिट से गर्ज। कंपनी लोगों को हेल्प करना चाहती है। तो ये पिछला 1.5 साल जो था, जो कोविड की वजह से लोग इफेक्ट हुए, प्रॉब्लम्स में आए, तो कंपनी ने एक पैकेज निकाला है कि जो ऑलमोस्ट 6 महीने 7 महीने रहेगा और उससे लोग जो है इस बिजनेस में इजीली इंटर हो सके। और उसकी प्राइस आपके सामने है 1291 दरहम एंड 60 फिल्स, 1251 दरहम एंड 60 फिल्स। ये दरम एक एग्जैक्टली दरम्स के अंदर ये प्राइस है। दरम्स मतलब यूएई के अंदर, क्योंकि मैं खुद यूएई के अंदर हूँ, दुबई के अंदर हूँ, तो इसलिए मैंने आपको ये पिक्चर जो है वो शेयर की। अब इसके ऊपर होता क्या है कि इसके ऊपर आपको 2 CCs जो हैं वो मिलते हैं ताकि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाएं और इसका जो बिजनेस मोड है आप उसके अंदर एज ए बिजनेस फॉर एवर बिजनेस ऑनर जो है वो इंटर हो जाए और आप काम कर सकें। सिंपल। अब कुछ चीजें जो हैं वो स्टार्ट के अंदर आपको फॉर एवर लिविंग अपॉर्चुनिटी का पता कैसे लगता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। वो इंपॉर्टेंट चीज कैसे है कि फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर आप कुछ एड्स देखते हो, जो कि मैं आगे जाके आपको रिवेल करूंगा कि आपको पता लगेगा वो एड्स जो हैं, उन एड्स के पीछे क्या साइंस है और वो एड्स कैसे वर्क करते हैं। ठीक है। सो वो एड्स कुछ इस किस्म के होते हैं कि अगर आप इस एड को गौर से देखें तो ये एक ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान विदाउट इन्वेस्टमेंट ग्रुप है जो कि फेसबुक के ऊपर बने हुए हैं। बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उसके अंदर किसी शख्स ने जो कि शायद सरहद पार जो है वो बैठा हुआ है, उसने अपनी नेशनैलिटी शो करते हुए अपनी करेंसी के अंदर एक एड लगाया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्यों लगाया? क्यों? क्योंकि दे वॉन्ट टू यूज और मिस यूज पीपल ऑफ पाकिस्तान, राइट? सो इसलिए इस किस्म के बेशुमार एड जहां पे आपको अट्रैक्ट किया जाता है फिक्स इनकम से, मंथली वीकली अर्निंग और ये और वो, जैस कैश के ऊपर आपको पैसे मिलेंगे, ये होगा वो होगा, वो सारी चीजें जो आप इस किस्म के एड्स में देखते हैं वो सब आप लोगों के पास, आप लोगों को पता है, बिकॉज मेरे पास ढेरों के हिसाब से डेली बेस के ऊपर मैसेजेस आते हैं कि सर हमें इस तरीके से बिजनेस अपॉर्चुनिटी का पता चला एंड नाउ वी आर हेयर, व्हाट वी डू।
अब उस चीज को मैं डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपने इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना। जब आप इस एड के नीचे कमेंट में यस लिख देते हैं या अपना नंबर प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो लोग आपको डायरेक्ट करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, बात करने के बाद ले जाते हैं वेबिनार के ऊपर कि जी आए हमारा एक वेबिनार हो रहा है जो कि स्पेशली है, जो कि बहुत यंग लोग कर रहे हैं और जो आपको जो है वो बहुत सारी चीजें दिखाएंगे, बहुत कुछ बिजनेस के बारे में बताएंगे। बट जब आप उस वेबिनार पे पहुंचते हैं तब आपके सामने तीन चीजों के अलावा कोई और चीज नहीं आती, और उन तीन चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट ये दिखाया जाता है कि उनकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है। वो चांद के ऊपर बैठे हुए, वो 5-स्टार होटल में बैठे हुए, वो जो है वो नोट खाते हुए नजर आएंगे आपको शायद, ठीक है। तो वो ऐसी चीजें हुए, सस्पिशियस चीजें करते हुए दिखाते हुए आपको नजर आएंगे कि जो लाइफस्टाइल मैटर उस टाइम नहीं करता जब आप अपने कैरियर में आ, ठीक है। एंड देन आपको बहुत सारी गाड़ी दिखाई जाएंगी कि इस तरह की गाड़ियां हमने अचीव कर ली, इस तरीके से हमने ये कर लिया, इस तरीके से हमने वो कर लिया। बट इन रियलिटी बिहाइंड द सीन जो है, बिहाइंड द सीन मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारी डिफरेंट चीजें, राइट। एंड इनकम दिखाई जाती है कि जी ये देखें हमने 2 लाख रुपए कमा लिए, ये देखें जी हमने 5 लाख रुपए कमा लिए। ऑफिशियली फॉर एवर लिविंग की वेबसाइट के ऊपर ये लिखा हुआ है कि आप अपनी इनकम दिखाकर किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इट्स अनएथिकल। अब अनएथिकल क्या चीज होती है कि जो प्रोफेशनलिज्म के खिलाफ आती है। अब ये सीधा सीधा जो अल्फाज है, मैं ये कहता हूँ कि ये आपको एक लालच दी जाती है, एक हिरस जगाई जाती है आपके दिल में, दिमाग में, कि आपने इससे ज्यादा पैसे कमाने हैं, विच इज अनएथिकल, अनप्रोफेशनल, और कहीं भी किसी भी एनवायरमेंट के अंदर वो चीज सूट नहीं की जाती। सो फॉरएवर के अंदर भी ये चीज बिल्कुल अनएथिकल है, अनप्रोफेशनल है, और ये वही लोग हैं जो बेसिकली खुद जो है लोगों के कांधों के ऊपर, लोगों को सिरों के ऊपर पैर रख के आज वहां पहुंचे हैं, तो ताकि वो लोगों को मिसयूज करें। सो ये वो तरीका कार होता है जहां पे आप लोगों से स्टार्ट किया जाता है। देन एक पूरा ट्रैप सिस्टम बनाया हुआ है, एक पूरा ट्रैप सिस्टम बनाया हुआ है। जो जो चीजें मैं आपसे बोलने वाला हूँ, ये सारी चीजें आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताई हुई है, ये सारी चीजें आप लोग मुझे व्हाट्सएप करते हैं, तभी मैंने इस चीज को देखा है, समझा है, और बता रहा हूँ आपको कि ये सारी चीजें की जाती हैं। अब वो ट्रैप सिस्टम क्या होता है? ट्रैप सिस्टम ये होता है कि जी रजिस्ट्रेशन के नाम पे आपको जो है वो 1000 रुपए पे करने हैं, या आपको जो है तो वो 500 रुपए पे करने। एंड नाउ द सिस्टम इज, जब मैंने ये चीजें बनाना शुरू की कि फॉर एवर लिविंग रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करता है, ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, उसके कोई पैसे, कोई चार्जेस नहीं है, तब उन लोगों ने क्या किया कि वो रजिस्ट्रेशन पैसे लेने कम कर दिए, लेकिन अभी भी वो लोग जो है रजिस्ट्रेशन के पैसे लेते हैं। अब वो रजिस्ट्रेशन के पैसे जो है उनकी अपनी जेब में जाते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर 2000 लोग 1000-1000 रुपए देते हैं तो सिंपली 20-25 लाख रुपए उनकी जेब के अंदर जा रहे हैं, जो कि फॉरएवर को पता भी नहीं है, और बहुत सारे लोगों ने फॉरएवर को कंप्लेन भी की है, राइट। एंड देन सीवी के नाम से आपके आपसे डॉक्यूमेंट ले लिए जाते हैं कि आप अपनी सीवी फॉरवर्ड कर दें, या ये फॉर्म हम आपको दे रहे हैं, इस फॉर्म को आप फिल कर दें। जब आप वो फॉर्म फिल कर देते हैं, जब आप अपनी सीवी दे देते हैं, तो आप अपनी इंफॉर्मेशन उनके हाथ में दे देते हैं। सो डोंट डू दिस, ये आपने कभी नहीं करना। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट प्रोफेशनल, वो आपकी सीवीज और आपकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और अपनी मर्जी से आपके अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, और अकाउंट क्रिएट करके उसका यूजर नेम और पासवर्ड भी अपने पास रख लेते हैं, जो कि प्रॉपरली अनएथिकल, अनप्रोफेशनल वे है। फॉरएवर को जब इस बात का पता चलता है तो फॉरएवर इस चीज को कंडेम करता है, और फॉरएवर कभी किसी को अलाउ नहीं करता कि वो आपकी आईडी क्रिएट करे और पासवर्ड आपकी के अपलाइन के पास हो। इट्स नॉट प्रोफेशनल, राइट। इंटरव्यू कॉल आएगी जी, हमारे सीनियर जो है वो आपको 1 घंटे के लिए इंटरव्यू कॉल करेंगे। फॉरएवर इट्स अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, व्हाई यू शुड हैव इंटरव्यू कॉल? क्यों आपको कोई इंटरव्यू कॉल करेगा जबकि फॉरएवर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है? तो ये सवाल, ये चीजें इस तरीके से एक ट्रैप की शक्ल दी जाती है और उसके अंदर आपको बताया जाता है।
देन इमोशनली अटैच आपको बहुत कर दिया जाता है कि जी ये देखें मेरे पेरेंट्स जो हैं, आपके पेरेंट्स इस तरीके से खुश होंगे, आप ये करोगे, आप वो करोगे, आपका जो अपलाइन है वो आपका जो है वाहिद सहारा है, और आपकी अपलाइन ने जो है आपने इनसे जो कमिटमेंट कर ली है, कभी ये तोड़ना नहीं, कभी इनके खिलाफ मत जाना, कभी आपने, सो वो बेसिकली आपका एक ब्रेन वॉश सा किया जाता है, राइट। एंड देन आपको एक और सिस्टम के बारे में बताया जाता है कि जी ये जैज कैश है, इसके ऊपर से आपने 1,000 रुपये ट्रांसफर करने हैं, और इसी तरीके से आपको मंथली या वीकली जो है वो जैज कैश के ऊपर, इजी पैसा के ऊपर आपको पैसे मिलेंगे। देखें फॉर एवर एक इंटरनेशनल कंपनी है, फॉर एवर कभी किसी को जैज कैश इजी पैसे के ऊपर पैसे नहीं देती, फॉर एवर हमेशा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगी या आपको एक चेक देगी अगर आप उस कंट्री में अवेलेबल हैं, अगर आप दुबई में अवेलेबल हैं, यूएई में अवेलेबल हैं, तो आपको फॉर एवर एक चेक दे देगी, आप अपने अकाउंट से कैश करवा सकते हैं, या आपका अकाउंट जो है चाहे वो जिस भी कंट्री में हो, आप वो अकाउंट कंपनी को, कस्टमर केयर को सेंड कर देंगे, कस्टमर केयर अकाउंट से आपकी पेमेंट वहां पे ट्रांसफर कर दिया करेगा। सो ये वो सिस्टम है जो फॉर एवर करता है ऑफिशियली। एंड देन वीकली इनकम और सैलरी के नाम के ऊपर आपको एक बेसिकली झांसे में लिया जाता है। अब वो वीकली इनकम और सैलरी किन को कहा जाता है? उसको बोला जाता है जो लोग कहते हैं कि जी हम कम्बो पैक अफोर्ड नहीं कर सकते, या अभी हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो उनको क्या बोला जाता है कि आप जो है वो 1,000 रुपये दे दें, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, आप 12 बंदे लेके आओ, आप 15 बंदे लेके आओ, वो जब 2 CC करेंगे तब आपको हर बंदे के 2 CC पे सैलरी मिलेगी। अब सबसे पहली चीज ये अनएथिकल है, दूसरी चीज अनप्रोफेशनल वे है, तीसरी चीज ये है कि जब आप मेहनत कर रहे हो, आप किसी बंदे को लेकर अपने बिजनेस में इनवाइट कर रहे हो, तो आपकी अपलाइन उसको अपने अंडर रजिस्टर्ड कर रहा है, तो इसका मतलब है वो सारी जिंदगी उसकी टीम का हिस्सा बना रहेगा, और आपको क्या मिलेगा, वन टाइम जो है वो सैलरी मिल जाएगी। और वो सैलरी कौन दे रहा है? वो आपका अपलाइन, जो कहता तो ये है कि ये फॉरएवर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बट वो आपको इस जॉब के ऊपर रख रहा है, आपको अपने बिजनेस में नौकर बना रहा है, बेसिकली सिंपल अल्फाज। सो इन चीजों की के ट्रैप के अंदर आपको लेके आया जा सकता है। आई होप कि ये सारी चीजें आपने अंडरस्टैंड कर ली होंगी। जब भी ये चीजें आपके सामने आए तो सिंपली आपने जो चीज अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि ये रॉन्ग नंबर है, राइट। इस रॉन्ग नंबर से, इस चीजों से आपने बचना है। एंड देन उसकी जो सेकंड फेज है वो क्या है कि जी एडवांस पेमेंट कर दे, आपको अपने किसी भी एक्स वाई जेड का अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा कि जी इस अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफर कर दें, एडवांस पेमेंट कर दें, अभी कर दे, आज कर दें, ये कम्बो पैक आज खत्म हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा, परसों खत्म हो जाएगा। उस चीज के ऊपर आपको बहुत सा प्रेशर करके उस चीज, उस सिस्टम के अंदर आपसे पेमेंट निकलवाई जाएगी। अच्छा 87,000 नहीं है, चलो 85 दे दो, 85 नहीं है 63 दे दो, 63 नहीं है 65 दे दो, 50,000 दे दो, 10,000 दे दो, 5,000 रुपये दे दो, कुछ ना कुछ आप पे कर दो उनको बस। क्यों? क्योंकि उनका काम ही सिर्फ पैसे लूटना, राइट। एंड देन डिलीवरी कि जब प्रोडक्ट की बात पूछो आप उनसे कि जी प्रोडक्ट कब मिलेगी मुझे फॉरएवर की, तो वो सिंपल अल्फाज में ये कहेंगे हाँ जी आपकी पेमेंट तो चली गई है दुबई, अब दुबई से जो है प्रोडक्ट निकलेंगी तो 30 दिन के बाद आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगी। वो लोग जिन्होंने दुबई की शक्ल नहीं देखी, जिनको ABCD का भी नहीं पता, वो आप लोगों से फेक प्रोमिसेस करते हैं। मेरे पास कुछ ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं कि जहां 4-4, 5-5 महीनों से पैसे लिए हुए हैं, ना तो उनके अकाउंट अपडेट हो रहे हैं और ना ही उनको प्रोडक्ट मिल रही है। सो ये वो चीजें हैं जो की जाती हैं। देन अकाउंट अपग्रेड, आप वो जो आप अपलाइन बनने का दावा करते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपके अकाउंट अपनी ख्वाहिश, अपनी जरूरत के हिसाब से, अपना रैंक अचीव करने के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए आपके अकाउंट को अपग्रेड कराते हैं जब उनका दिल करता है। चाहे वो 1 हफ्ते बात करे, 1 महीने बात करे, 2 महीने बात करे, आपकी पेमेंट उनकी जेब में चली गई, आप पीछे पीछे हो और वो आगे आगे हैं। एंड देन वो आपसे जो है अपने इस मुफाद के लिए, अपने सीसीज को ऊपर लेके जाने के लिए, अपने बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए वो आपको टालते रहेंगे। इसकी एक ग्रेट एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको ये दूंगा कि इंडिया के अंदर रिसेंटली पिछले 1-2 महीने के अंदर एक बहुत बड़े गैंग को पकड़ा गया है, जो कि इंडियन फॉरएवर लिविंग के ऑफिस ने पकड़ा, विच इज वेरी गुड।
क्योंकि उन लोगों को पकड़ने से जो है वो इंडिया की मार्केट के अंदर थोड़ा सा लोगों को सुकून आएगा, क्योंकि जो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं वो सही काम करेंगे और जो गलत तरीके से काम कर रहे हैं वो पकड़े जाएंगे। सो इसलिए अगर कोई आपको कहीं किसी और कंट्री से इनवाइट करता है तो जाके ये जरूर देखिएगा कि वो कहाँ से है, उसकी उसका बैकग्राउंड क्या है। वो वेबिनार तो दे रहा है लेकिन उस वेबिनार के पीछे हिस्ट्री क्या है। सो इन चीजों का आपने ख्याल रखना। अब आ जाते हैं लास्ट के ऊपर कि हमारे पास सोल्यूशन क्या है, ऑप्शन क्या है, हम किन चीजों को देखें। तो जी सिंपली आपने ट्रस्ट का एक मैकेनिज्म बनाना है, आपने ट्रस्ट के लिए, अपने ट्रस्ट के लिए आपने इन चीजों को फोकस करना है, इन चीजों को अंडरस्टैंड करना है। नंबर वन जो है वो ट्रस्ट आपको तभी आएगा कि जब कोई बंदा आपके सामने होगा, आपके अपने सिटी से होगा। अगेन जो ट्रस्ट है आपकी अपने सिटी का बंदा जो है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में काम कर रहा है, तो उसके साथ आपने इंटैक्ट होना है, उसके साथ आपने कांटेक्ट करना है। आप यूट्यूब पे जाएं, आप फेसबुक पे जाएं, आप फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट जिस भी सिटी से हो, लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलपुर, उस सिटी का नाम लिखो, आपके सामने वो सिटी के फॉर एवर बिजनेस ऑनर्स आ जाएंगे। आप उनको कॉन्टेक्ट करो और आप उनसे फेस टू फेस मिलो, फेस टू फेस मिलो, बातचीत करो एंड देन उनकी वेरिफिकेशन करो। बिकॉज आपके इलाके की, आपके सिटी के अंदर जो बंदे होंगे वो, उनकी वेरिफिकेशन आपके लिए इजी होगा, राइट? सो इन वेरिफिकेशंस के बाद आप उनसे अंडरस्टैंड करो कि इस बिजनेस के अंदर कैसे आए और कैसे इस बिजनेस के अंदर एक्सेल करें, तरक्की करें। नंबर थ्री, प्रोडक्ट। ये बिजनेस प्रोडक्ट का बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स ही सेल होती हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी ने प्रोडक्ट इतनी आउट क्लास बनाई है, इतनी आउट क्लास बनाई है कि वर्ल्ड की फेमस कंट्रीज जो हैं, जापान, जर्मनी, यूके, मिडिल ईस्ट, ये टॉप कंट्रीज जो हैं ये फॉर एवर की प्रोडक्ट को बहुत यूज करती हैं। सो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन का होना और प्रोडक्ट का फिजिकल होना आपके पास, इस या जो आपकी अपलाइन है उसके पास इन प्रोडक्ट का होना बहुत जरूरी है, ये आपकी ट्रस्ट सिस्टम की एक वेरिफिकेशन है। तब आपको पता लगेगा कि वो बंदा प्रोडक्ट भी आपको प्रोवाइड कर सकेगा ऑन टाइम या नहीं कर सकेगा, ठीक है? तो ये मैकेनिज्म, ये ट्रस्ट का एक सिस्टम आपने खुद इस बिजनेस में आने से पहले वेरिफिकेशन करना है। जब आप किसी को अपनी इंफॉर्मेशन देने लगे उससे पहले आपने ये सारी चीजें करनी है। लास्ट में मेरे पाकिस्तानियों, आपके मेरे कायद आजम मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह ने एक कोट बोली थी, एक कहावत जिसको आप कह सकते हो कि यूनिटी आपने बनानी है पाकिस्तानियों, यूनिटी जो है उसके अंदर बहुत बरकत है, उसके अंदर बहुत अजमत है। फेथ हमेशा अल्लाह पाक के ऊपर रखना कि रिस्क देने वाली जात सिर्फ ऊपर बैठी है जो कि हमारा मालिक है, हमारा खालिक है, और कोई हमें रिस्क नहीं प्रोवाइड कर सकता। डिसिप्लिन लेके आना है हमने, यस हमने ना झूठ बोलना है, ना बेईमानी करनी है, ना किसी को धोखा देना है, हमने ईमानदारी के साथ बिजनेस के अंदर काम करना है। इंशाल्लाह तरक्की सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक देगा और वो यकीनन देगा। क्यों? क्योंकि उसने पाकिस्तान को बनाया ही इसलिए है क्योंकि इस पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है? तो ये पाकिस्तान जो है वो बेसिकली बना ही हम लोगों के लिए है, मुसलमानों के लिए है कि जहाँ पे हम अच्छे तरीके से रह सके। लास्ट में वाई वर्क विद जिशान, वर्क विद जिशान जो है वो क्यों जरूरी है, बिकॉज प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग सिस्टम है इसके अंदर, प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम है इसके अंदर, डेली बेस का सपोर्ट सिस्टम है आपका 24/7 जिसको आप कह सकते हो, बेस्ट मेंटोरशिप है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ WWZ के। इसके अंदर जितने भी लीडर्स आपको मिलेंगे, प्रोफेशनल हाई क्वालिटी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ACCA एंड मेरी तरह IT बैकग्राउंड से प्रोफेशनल लोग आपको इस बिजनेस में मिलेंगे। फ्री लीड जनरेशन, सोशल मीडिया ट्रेनिंग एंड सेल्फ डेवलपमेंट जो है हमारी ट्रेनिंग्स का हिस्सा है, क्योंकि इस बिजनेस के साथ आपको अपनी सेल्फ डेवलपमेंट भी करना बहुत जरूरी है। बिल्डिंग पाकिस्तान बेस्ड कम्युनिटी इनसाइड एंड ओवरसीज पाकिस्तान, ये हमारा मोटो है, ये हमारा, हमने कम्युनिटी बिल्ड करनी है। व्हाई? बिकॉज वी आर #टैग प्राउड पाकिस्तानी, वी लव आवर कल्चर, वी लव आवर ट्रेडिशंस एंड वी लव आवर पीपल एज वेल। थैंक यू सो मच। लास्ट के अंदर अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें और पाकिस्तान के लिए हमेशा हमेशा दुआ करते रहें।